सऊदी अरब में रूस इस्लामी दुनिया मुकालमा और तआवुन के इम्कानात के उनवान से दो रोज़ा इजलास आज से शुरू हो गया है। तजवीराती अहमियत के हामिल इस इजलास में रूस और इस्लामी ममालिक के हुकाम, मुफक्करीन और मजहबी शख्सियात शिरकत कर रही हैं। इजलास का इनेकाद ग्रुप ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन यानी GSV कर रहा है। दो रोज़ा इजलास का इनेकाद मज़ाहब और सकाफती मुकालमे को फ़रोग देने के लिए सऊदी अरब के खसूसी इकदामात में से एक है, जिसका मकसद रूस और इस्लामी ममालिक के दरमियान मजहबी, सकाफती और बैनुल अक़वामी मसाइल पर हम आहंगी पैदा करना है। इजलास के अहम मुकर्ररीन में तातरिस्तान के सदर रुस्तम मिनीखानोव, सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खुरैजी, OIC के सेक्रेटरी जनरल हसीन ब्राहिम, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल फलाह मुबारक और रूसी कौंसल ब्राय साइंस और तालीम के चेयरमैन इलियास उमाखानोव शामिल हैं। इजलास में मुख्तलिफ मुकालमों के दौरान रूस और इस्लामी ममालिक के दरमियान तजारती और इक्तसादी ताल्लुकात और बैन अल-क़वामी इस्तेहकाम को लाहक खतरात को मद्देनजर रखते हुए आलमी तरक्की के नए मॉडल्स की तश्कील के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अजलास के दौरान दहशतगर्दी के रुझानात, बैन अल-क़वामी अमनो सलामती, तनाज़ात के पुरअमन हाल में बैन अल-क़वामी तंजीमों का किरदार, COVID-19 के बाद दुनिया में अमन को फ़रोग देने और तआवुन को फ़रोग देने के तरीकों पर भी गुफ्तगू की जाएगी। हमजा रहमान, APP, इस्लामाबाद।